हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीबी ब्यूटी पॉइंट। मैं हूँ दिव्यांगना। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल फेशियल, जो कि हम करने वाले हैं टमाटो से। हाँ जी, हम टमाटर से ही फेशियल करने वाले हैं, करके आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगी। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन पे उनके निशान रह गए हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है, तो ये सबसे आपको छुटकारा दिलाएगा और आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग बनाएगा। और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगी, क्योंकि समर में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल होती है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है ये फेशियल बहुत ही। तो इसमें हमने बाहर का कुछ भी नहीं लिया, हमने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही लिए हैं। तो ये आप सोच सकते हैं, अगर हम जब नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, कोई केमिकल नहीं होता है, तो कितना अच्छा रिजल्ट देगा हमें और हमारी स्किन को कितना अच्छा, हमारे फेस को कितना अच्छा ग्लोइंग बनाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी, इसमें हम 5 स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्लिंजिंग करेंगे, फिर स्टीम लेंगे, उसके बाद हम एक्सफोलिएट करेंगे अपने फेस को, फिर हम अपने फेस की मसाज करेंगे, और लास्ट स्टेप है पैक। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देरी ना करते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी क्लिंजर। तो उसको बनाने के लिए चाहिए 2 टेबल स्पून टमाटो पल्प और 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर का पल्प बनाने के लिए हम एक टमाटर लेंगे, उसको छोटा छोटा कट करेंगे और उसको पीस लेंगे। अब हम फेशियल कर रहे हैं तो हमारे बाल बीच में ना आए, तो इसको हम पहले बांध लेंगे, जिससे हमारे हेयर भी गंदे ना हो। तो अब ये हमारा क्लिंजर रेडी है। अब एक कॉटन पैड लेंगे और इसको हम कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। चाहे तो कॉटन बॉल भी ले सकते हैं, उससे अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे। तो कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, और ये अच्छे से हम अपने पूरे फेस को क्लीन करेंगे। इससे हमारे फेस पे जो भी डर्ट होगी और जो डेड स्किन होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो हम पूरे फेस पर आइज़ के नीचे अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद हम फेस को वॉश कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारा स्टीम का। तो हम एक बाउल में पानी लेंगे गरम, उसमें एक कॉटन का रुमाल डिप करेंगे। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा लीजिए कॉटन का, उसको हम डिप करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसमें स्टीम लेंगे। इतना गरम लेना है कि आपका फेस और हाथ सह सके। तो थर्ड स्टेप है हमारा एक्सफोलिएटर का। तो उसके लिए हमें चाहिए शुगर पाउडर। तो आप ऐसे लीजिए, शुगर को बहुत बारीक नहीं चाहिए हमें, शुगर ऐसा पाउडर चाहिए। तो आप उसको दरदरा पीस लीजिए और एक टमाटर को कट कर लीजिए। बस हमारा काम हो गया। अब हम आधे टमाटर पर लेंगे, उसको शुगर को ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हम पूरे फेस का पर स्क्रब करेंगे। तो आपको उसको पूरे फेस पर रब करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, घिसना नहीं आपको, लाइट हैंड से ही आपको करना है। तो अपने नोज़ के पास अच्छे से, क्योंकि जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत जल्दी से इससे रिमूव हो जाएगी। टमाटर को नेचुरल एक्सफोलिएटर माना जाता है। इसमें फ्लेवोनाइड होता है, जो डेड स्किन और ब्लैक हेड्स को हटाने में हेल्प करता है। इससे आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधार आता है और आपकी स्किन सॉफ्ट होती है। तो उसके बाद हमें 2-3 मिनट करना है, उसके बाद हमें फेस को वॉश कर लेना है। तो फोर्थ स्टेप है हमारा फेस मसाज का। तो उसके लिए हमें टमाटो जूस निकालना है। तो हम हाफ टमाटो लेंगे और उसका जूस निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो हमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ही उसका जूस चाहिए टमाटो का। तो ये हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून टमाटो जूस लेंगे और 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छा सा एक जेल फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम मसाज करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, एक जेल फॉर्म में आ गया है। तब हम इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम मसाज करेंगे। तो हम पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लेंगे, उसके बाद मसाज करेंगे। तो टमाटर में विटामिन सी, विटामिन ए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो स्किन की एजिंग प्रॉब्लम को रोकती है और फाइन लाइन और जो स्पॉट्स होते हैं उससे बचाती है। तो हमको पूरे फेस की मसाज करनी है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इससे स्किन यंग और हेल्दी नज़र आती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो स्किन को वाइटन और इवन टोन करने में हेल्प करता है और जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उससे भी दूर करता है।
इसमें हमने एलोवेरा ऐड किया है। एलोवेरा में एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो एक्ने और रिंकल्स को रोकने में हेल्प करती है। ये स्किन को मॉइस्चर बनाए रखती है और एलोवेरा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो फंगस या बैक्टीरिया को होने से रोकती है। टमाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई, अगर आपको टेनिंग हो गई तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है और उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो स्किन को यूवी रेज से होने वाली ऑक्सीडेटेड स्टेज से बचा सकता है। तो हमको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। तो लास्ट स्टेप है हमारा फेस पैक, तो उसको बनाने के लिए चाहिए 2 टेबल स्पून टमाटो पल्प, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून हनी, एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा फेस पैक बनकर रेडी है। तो इसमें हमने हनी ऐड किया है, ये हमारे स्किन टोन को ठीक करता है, फेस को मॉइस्चर देता है और पिंपल्स हो गए हो तो उससे छुटकारा दिलाता है। तो अब आपको इसको पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 20 मिनट तक हमको इसको लगाकर रखना है। इस फेशियल को करने के बाद इंस्टेंट ग्लो मिलता है, हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है और एकदम ग्लोइंग हो जाती है। इसमें हमने कॉफ़ी ऐड किया है, कॉफ़ी में मौजूद कैफीन एसिड होता है जो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे में रिंकल्स से स्किन को बचाने में हेल्प करता है। और हमने इसमें बेसन ऐड किया है, बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर माना जाता है जो फेस के पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है। तो हमको इसको 20 मिनट तक लगा के रखना है, जब ये सूख जाए तो देखिए मैं इसको कॉटन से क्लीन करूँगी तो ये कितना अच्छा ग्लो दे रहा है, एकदम ग्लोइंग हो गया है। तो देख सकते हैं आप इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है। तो हम अपने हाथों में पानी लेंगे और पूरे फेस की अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, तो आप देखेंगे आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इंस्टेंट ग्लो आया है। और अगर आपको इसका और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको मंथ में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, स्पॉट्स हो गए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगी और आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी शाइनी नज़र आएगी, आपका फेस इतना स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको वीक में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने घर में फेशियल करना कितना इजी है, जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए वो नेचुरल है, तो आप इसको मंथ में 2 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।